बचाओ। इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है जोधपुर के लोहावट से, जहां कुख्यात लेडी डॉन और स्मैक तस्कर सोफिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, ये वही सोफिया है जो जोधपुर ग्रामीण में काफी कुख्यात है। थानाधिकारी लोहावट के थानाधिकारी खान ने इसको घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है और स्मैक के साथ इसको गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूरी जानकारी के लिए हमारे पास स्पेशल रिपोर्ट भेजी है लोहावट से हमारे विशेष संवाददाता शिव प्रकाश ढाका ने। जोधपुर ग्रामीण की कुख्यात लेडी डॉन और स्मैक तस्कर सोफिया को गुरुवार सुबह लोहावट के थानाधिकारी इमरान खान ने स्मैक सहित गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्र की जोधपुर पुलिस के लिए इस लेडी डॉन की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि जिले भर की बड़ी स्मैक सप्लायर सोफिया है और पूर्व में भी ये काफी बड़ी मात्रा में स्मैक सहित 3 बार गिरफ्तार हो चुकी है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बार्क के निर्देशानुसार मादक पदार्थों और उसके सप्लायर्स की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार सुबह मुखबिर की सूचना के बाद थाना अधिकारी इमरान खान ने महिला कांस्टेबल और अन्य जाब्ते के साथ लोहावट के सदरी गांव में स्थित लेडी डॉन सोफिया पत्नी मुमताज खान के घर पर गुरुवार सुबह दबिश दी। दबिश के दौरान सोफिया के कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और इसकी जांच मतोड़ा थाना अधिकारी नेमाराम को सौंपी है। दरअसल लेडी डॉन सोफिया आला दर्जे की स्मैक तस्कर है। इसके धंधे का जाल लोहावट, मोरिया, मुंजासर, जालोड़ा, डेरियों की ढाणी, सदरी, पीलुआ, भेड़, डेचू, रावत नगर, मोखेरी, होपारड़ी, फलोदी, हिंदालगोल, जोड़, खींचन सहित दर्जनों गांव में फैला हुआ है। यह आगे इन गांवों के छोटे छोटे तस्करों को बड़ी मात्रा में स्मैक खपाती रहती है। इसके चलते ये पूर्व में भी 3 बार बड़ी मात्रा में स्मैक सहित गिरफ्तार हो चुकी है, मगर पीछे नहीं हटती है। हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसी धंधे में लिप्त पाई गई है और इस धंधे में लिप्त पाए जाने की वजह से न जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मध्य प्रदेश कोटा चित्तौड़ के कई बड़े बड़े तस्करों से इसके तार जुड़े हुए हैं। शायद इसी के चलते ये चाहे तो भी ये पेशा छोड़ नहीं पा रही है। इनसे बड़ी मात्रा में स्मैक लोहावट और फलोदी क्षेत्र में लाकर छोटे तस्करों को ये देती है और हजारों युवाओं को नशे के दलदल में धकेल देती है। इसके घर पर नशेड़ी युवाओं का लगातार तांता लगा रहता है, क्योंकि स्मैक चाहिए तो सोफिया के घर आना ही होगा। सोफिया के साथ उसका भाई हिदायतुल्लाह भी इसी तस्करी के काम में ही जुटा हुआ है। पहले दोनों भाई बहन भी एक साथ स्मैक सहित गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर से तस्करी करना शुरू कर देते हैं। मगर अभी फिलहाल ये अपने बिल्कुल सही जगह पे है, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। अब देखना यह है कि कितने दिन तक ये जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं और कितने दिन बाद ये बाहर आने के लिए छटपटाने लगते हैं। और इस मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं लोहावट से हमारे संवाददाता शिव प्रकाश ढाका। शिव, पूरा मामला हमें पता चला है कि सोफिया एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है, क्या है ताजा जानकारी आपके पास? मैं बताना चाहूंगा कि यह जोधपुर जिले की सबसे कुख्यात स्मैक तस्कर है और लेडी डॉन सोफिया के नाम से ये कुख्यात है। और ये लोहावट से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर है सदरी गांव में, और लगभग पूरे जिले भर में इसके गांव में तस्करी का जो नेटवर्क फैला हुआ है, मगर सबसे ज्यादा ये फलोदी और लोहावट के गांव में है जो इसका ज्यादा नेटवर्क फैला हुआ है। और हजारों की संख्या में जो युवा वर्ग है वो इसमें की फंसे की लत में झगड़ा हुआ है, ये उन्हीं में अपना माल खपाती है। जी, तो आखिरकार अभी इतना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है तो क्या इसका सब्स्टिट्यूट लोगों के पास है जो मुख्य तस्कर हैं, जो राजस्थान से बाहर के हैं, जहां से ये बड़ी खेप में स्मैक लेके आती है? हाँ, अब इसके बाहर के राज्यों से जैसे मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के नीमच और अपने राजस्थान से कोटा, चित्तौड़गढ़, यहाँ के बड़े तस्करों से ये स्मैक जैसा नशा मंगवाती है, बड़ी बड़ी मात्रा मंगवा करके। यहाँ पर जो छोटे छोटे तस्कर है उन
के अंदर ही अपना माल खपाती है, और इसके अलावा भी मतलब आसपास के गांव में या भेजना जहाँ कहीं भी होता है तो ये अपने कुछ पाले हुए लड़कों के माध्यम से ये भेज देती है। मतलब बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में जोधपुर जिले पुलिस के अनुसार भी जोधपुर जिले की ये सबसे सक्रिय है इसमें तस्कर मानी जा रही है। जी, तो अब जब ये सोफिया जेल में है तो जैसा आपने हमें जानकारी दी कि इसका भाई भी इसी धंधे में लिप्त है, तो क्या सोफिया की जगह उसका भाई अब काम करेगा? हाँ, इसका भाई जो हिदायतुल्ला है वो भी इस इसके साथ ही इसका कारोबार करता है। इसके अलावा भी और भी है, पूर्व में भी यह तीन बार पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। एक बार 104 ग्राम इसमें के साथ, एक बार 21 ग्राम इसमें के साथ। हालांकि यहाँ पे जैसे मात्रा 104 ग्राम कम नजर आती है, मगर इसमें की मात्रा 2 ग्राम भी बहुत होती है, क्योंकि 1 ग्राम उसमें अंदर भी 4-5 लड़के नशा कर देते हैं, तो फिर ये मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में गिनी जाती है। इसमें की 104 ग्राम हुआ या 21 ग्राम हुआ, ये भी बड़ी है। हालांकि इससे ज्यादा ये यहाँ पे नहीं रखती है, अपने यहाँ घर के अंदर दोबारा रखती है, तो घर के अंदर जब पूरी रेड पड़ती है तो ये इतना ही मिल पाता है, ज्यादा नहीं मिल सकती। और तीन बार ये पूर्व में अपने, एक बार अपने भाई के साथ भी गिरफ्तार हो चुकी है और दो बार अलग अलग गिरफ्तार हो चुकी है, ये लगभग चौथी गिरफ्तारी है। शिव, क्या कहते हैं आपकी, ये कितने दिनों में जमानत पे वापस छूट जाएगी और वापस इसी धंधे में लिप्त हो जाएगी? के लिए जो NDPS के अंदर कानून बना हुआ, इतना नशीला कानून है कि ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिनों के अंदर इनकी जमानत हो जाती है। जी, क्योंकि एक दो बार महिला होने के नाते इसको जज ने भी छोड़ दिया। जी, क्योंकि आपने जो वीडियो भेजे है उसमें जितनी कॉन्फिडेंट ये लग रही है, जितने विश्वास से लबरेज लग रही है कि थोड़ी देर की बात है, इतने आत्मविश्वास से जेल में चल के आई है, थाने में फिर रही है, तो इसे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी जमानत होने वाली है। इस बारे में इसे भी जानकारी? हाँ, इसको पता है कि ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिनों के अंदर जमानत हो सकती है, और महिला होने का भी फायदा हर बार मिल जाता है, तो बाहर आते ही फिर वही रूटीन का धंधा। हालांकि पुलिस में रोड पुलिस इसको लगभग रडार पर रखती है। अभी हाल ही में यहाँ पर पदस्थापित हुए थानाधिकारी इमरान खान ने इसको अपने रडार पर ले रखा था, उन्होंने आते ही इस तरह के तस्करों की जानकारी जुटाई तो इसका नाम सामने आया, तो इसको रडार पर ले रखा था कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी। जैसे ही मुख्य इसकी सूचना मिली कि आज इसके घर पर बड़ी मात्रा में इसमें आई हुई है, तो लेडीज कांस्टेबल के साथ में थानाधिकारी खान ने इसके घर पे रेड डाली। हालांकि भाग गई थी, मगर महिला कांस्टेबल से भी नहीं सब पीछा करके इसको पकड़ लिया था, और तलाशी लेने पर इसके घर से 8 ग्राम इसमें बरामद हुई थी। हालांकि और भी अब पुलिस इसके पूछताछ में जुटी है कि पीछे की जो इसकी कड़ी है वो उसमें कौन से तस्कर है, या यहाँ पर आगे जो ये सप्लाई करती है वो कौन से लोग है, पूरे नेटवर्क को तोड़ने के अंदर लगी हुई है पुलिस। अब ये तो भविष्य के घर पे है कि इस नेटवर्क को तोड़ने में पुलिस को कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन ये है अपने इस विश्वास से कि तुरंत मेरी जमानत हो जाएगी और बार बार ये इसी धंधे में लिप्त हो जाती है। जी ईशे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए, और आगे भी इस बारे में आप हमें अपडेट देते रहिएगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे शिव प्रकाश ढाका लोहाबट से, जो हमें दे रहे थे इस पूरे मामले के बारे में जानकारी, और इस मामले में ताजा अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।